सो गाइस, तो मेरे चैनल पे जो यहाँ पर 500 सब्सक्राइबर और 3000 घंटे का वॉच टाइम जो है कंप्लीट हो चुका है और जो है मैं मेरा चैनल जो है मोनिटाइज कर सकता हूँ। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप जो है आप यहाँ पर मोनिटाइज के लिए जो है अप्लाई कैसे कर सकते हो। तो सभी कुछ इस वीडियो में बताऊंगा, बट वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, क्योंकि अगर आपने यहाँ पर एक भी स्टेप मिस किया तो भाई आप यहाँ पर मोनिटाइज करने के लिए कुछ गलती कर दोगे, फिर आपका जो है यहाँ पर मोनिटाइज नहीं होगा और आपका जो यहाँ पर रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो भाई वीडियो को पूरा एंड तक देखो, मैं यहाँ पर सभी कुछ आपको डिटेल में जो है बता दूंगा। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। सो गाइस, आपको जो है मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई करने के लिए सबसे पहले तो YT स्टूडियो को ओपन कर लेना है। YT स्टूडियो को ओपन करने के बाद आपको जो है यहाँ पर साइड में अर्न का एक ऑप्शन मिलेगा, इस पे क्लिक कर देना है। इस पे क्लिक करने के बाद जैसे आप यहाँ पर नीचे जाओगे तो आपको जो है यहाँ पर एक अप्लाई नाउ का एक ऑप्शन मिलेगा। तो भाई ध्यान से देखना, यहाँ पर जो है आप बिल्कुल भी वीडियो को स्किप मत करना, अगर स्किप करोगे भाई समझ में नहीं आएगा। तो यहाँ पर अप्लाई पे क्लिक करो। अप्लाई पे क्लिक करने के बाद आपके सामने जो ऐसा इंटरफेस यहाँ पर ओपन हो जाएगा। तो फर्स्ट में जो है आपको यहाँ पर लिखा होगा रिव्यू बेस्ड टर्म्स, तो आपको यहाँ पर क्या करना होगा, आपको जो यहाँ पर स्टार्ट पे क्लिक कर देना है। जैसे कि मैं यहाँ पर स्टार्ट पे क्लिक कर देता हूँ, तो जैसे यहाँ पर स्टार्ट पे क्लिक करोगे तो आपके सामने जो यहाँ पर टर्म्स एंड कंडीशंस दिख जाएगी। आप चाहे तो इसे पढ़ भी सकते हो, चाहे तो इसे स्किप भी कर सकते हो। तो आपको यहाँ पर नीचे की तरफ जाना है और आपको जो है यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा आई एक्सेप्टेड द बेस्ट टर्म, तो इस पर आपको क्लिक कर देना है और यहाँ पर जो है एक्सेप्ट कर लेना है। एक्सेप्ट करने के बाद ये जो है आपका रिव्यू बेस्ड टर्म जो है यूट्यूब की तरफ से आपका चैनल जो है यहाँ पर रिव्यू में होगा। अगर आपका चैनल में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी तो जो है रिव्यू उसको जो है अप्रूव कर देगा। फिर आपको यहाँ पर नेक्स्ट ऑप्शन क्या मिलता है, आपको यहाँ पर जो है साइन इन फॉर एडसेंस फॉर यूट्यूब ऐसा कुछ लिखा होगा। तो आपको जो यहाँ पर एक स्टार्ट का ऑप्शन मिलता है, तो आपको जो है स्टार्ट पे क्लिक कर देना है। जैसे आप यहाँ पर स्टार्ट पे क्लिक करोगे तो आपके सामने जो यहाँ पर तीन ऑप्शंस दिखाई देंगे। तो आपको यहाँ पर क्या करना होगा, आपसे यहाँ पर पूछा गया है कि क्या आपका पहले से यहाँ पर यूट्यूब पे एडसेंस अकाउंट है। अगर आपका है तो आपको यहाँ पर यस पे क्लिक करना है। अगर आपका यहाँ पर पहले से एडसेंस अकाउंट नहीं है तो आपको जो यहाँ पर नो आई नीड टू क्रिएट वन पे जो है क्लिक कर देना है। जैसे कि मैं यहाँ पर क्लिक कर दे रहा हूँ, क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आपके जो है थोड़ा सा वेट कर लेना है। वेट करने के बाद आपको जो यहाँ पर क्रोम को ओपन करने बोलेगा, तो आप जो है यहाँ पर क्रोम को ओपन कर लेना। क्रोम को ओपन करने के बाद आपको यहाँ पर थोड़ा सा वेट करना है। वेट करने के बाद आपको जो यहाँ पर गूगल जो है आपको जो यहाँ पर ईमेल आईडी सिलेक्ट करने के लिए बोलेगा। जो आपका चैनल से ईमेल आईडी यहाँ पर लॉगिन है उस ईमेल आईडी को जो है आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना है। जैसे कि मेरे चैनल पर जो जीमेल आईडी लॉगिन है उसको मैं यहाँ पर सिलेक्ट कर लेता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद आपको जो यहाँ पर थोड़ा सा वेट करना है। वेट करने के बाद आपके सामने जो है ऐसा पेज ओपन हो जाएगा। फिर आपको यहाँ पर क्या करना होगा, आपको जो है यहाँ पर लिखा होगा यूअर बिलिंग कंट्री टेरिटरी। कंट्री और टेरिटरी जो एक ही होता है, तो आपको जो यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा कंट्री टेरिटरी, तो इस पर आपको क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद आप जिस भी कंट्री में यहाँ पर रहते हो उस कंट्री को जो आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। जैसे कि हम इंडिया में रहते हैं तो हम यहाँ पर इंडिया को जो है सिलेक्ट कर लेते हैं। तो जैसे मैं यहाँ पर इंडिया को सिलेक्ट कर लेता हूँ। इंडिया को सिलेक्ट करने आपको यहाँ पर थोड़ा नीचे की तरफ आना, आपको यहाँ पर टर्म्स एंड कंडीशन मिलेगी, तो आपको यहाँ पर जो है आई हैव एक्सेप्ट कर पे क्लिक कर देना है। फिर आपको यहाँ पर थोड़ा नीचे आना है, नीचे की तरफ आना है। नीचे की तरफ आने के बाद आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा सेटअप अकाउंट, तो इस पर आपको क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद थोड़ा सा वेट कर लेना है। वेट करने के बाद आपके सामने जो है ऐसा पेज ओपन हो जाएगा। फिर आपको जो यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा अकाउंट टाइप, तो इस पर आपको क्लिक कर देना है। इस पे क्लिक करने बाद आपको जो यहाँ पर बिजनेस पे टाइप नहीं करना है, आपको जो यहाँ पर एक बिजनेस का ऑप्शन मिलेगा उसको आपको यहाँ पर टाइप नहीं करना है, आपको जो यहाँ पर इंडिविजुअल पे ही रखना है। फिर आपको जो यहाँ पर नेम एंड एड्रेस करके पूछेगा, तो सिंपल से आपको इस पे क्लिक कर देना है। इस पे क्लिक करने बाद आपको यहाँ पर नेम डाल देना है और यहाँ पर आपका जो भी एड्रेस है वो यहाँ पर डाल के आपको जो है यहाँ पर सबमिट का एक ऑप्शन मिलेगा, तो इस पर आपको क्लिक कर देना है। इस पे क्लिक करने बाद आपको यहाँ पर क्या करना होगा, आपको जो यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा रीडायरेक्ट टू यूट्यूब, तो आपको इस पे क्लिक कर देना है। आपको यहाँ पर वेट करने बाद सीधा जो है अपने YT स्टूडियो में फिर से ये ले जाएगा। फिर आपको यहाँ पर क्या करना होगा, आपको यहाँ पर थर्ड ऑप्शन मिलेगा, तो उसके लिए आपको यहाँ पर थोड़ा वेट करना है। देखो थर्ड ऑप्शन आपको यहाँ पर मिलता है गेट रिव्यू, तो आपको यहाँ पर क्या करना होगा, आपको यहाँ पर 3 से 4 घंटे वेट कर लेना है। 3 से 4 घंटे वेट करने के बाद आपका जो है यहाँ पर रिव्यू बेस्ड टर्म्स भी यहाँ पर अप्रूव हो जाएगा और आपका जो गूगल एडसेंस अकाउंट है वो भी यहाँ पर इन प्रोग्रेस में चल रहा है, तो ये भी जो है आपका यहाँ पर 2 से 3 वीक्स में यहाँ पर जो है अप्रूव हो जाएगा। फिर आपका यहाँ पर जो है यूट्यूब चैनल चेक करेगा, अगर आपके चैनल में कोई गलती नहीं होगी तो आपका यूट्यूब जो है यहाँ पर अप्रूव कर देगा और फिर आपका चैनल जो है यहाँ पर मोनिटाइज हो जाएगा, अगर आपके चैनल में कोई दिक्कत नहीं है तो। सो गाइस, तो ऐसे करके जो है आप अपने चैनल को मोनेटाइज के लिए भेज सकते हो। सो गाइस, ये वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट में बताओ, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब भी करो। चलो मिलते हैं किसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वाली वीडियो में, तब तक ले बाय बाय एंड टेक केयर।